वकील के लिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मन्हास। तो मैंने सोचा क्यों ना नए साल में पहली बार जो है डोडा के अंदर बर्फबारी देखने को मिली, तो काफी लंबा समय था और जगह जगह पर जो है लोग जो है काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि इन्वायरमेंट काफी खराब हो रहा था, उसके चलते जो है लोगों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था क्योंकि आसपास जंगलों में आग लगा दी जाती थी और इसी कारण जो है लोग जो है प्रॉपर तरीके से जो है नहीं रह पा रहे थे। चलिए, आप भी अपने एरिया की अपडेट दे सकते हैं कि आपके एरिया में कहां कहां तक बर्फबारी हुई है, क्या क्या चीजें हुई है, और इन तमाम चीजों को जो है मैं आपके अपने कमेंट बॉक्स में भी लूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं देसा का एरिया जहां से अभी कुछ समय पहले जो है फोटो आई थी, यानी वहां पर भी काफी बर्फबारी देखने को मिली थी। चाहे फिर भद्रवाह का एरिया हो या फिर अलग अलग जगहें हो, वो तमाम जगहों पे जो है आज बर्फबारी, मरमत का एरिया हो, गुंदना का एरिया हो या फिर भलेसा का एरिया हो या फिर भद्रवाह का एरिया हो, इन तमाम जगहों पे जो है आज बर्फबारी देखने को मिली थी। और अभी जो है थोड़ी बहुत धूप निकली है दोबारा से और आप जो है अपडेट दे सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी कितनी बर्फबारी हुई है और लगातार आप किस तरह से महसूस कर रहे थे, ये तमाम चीजें जो है बताने की कोशिश भी कीजिए। अगर आप अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने अपने एरिया में और जिस तरह से कल देर से जो है लगातार यानी शाम के समय डोडा के अंदर बारिश वगैरह स्टार्ट हुई थी और अपने एरिया की और रोड आपकी खुली है, ये तमाम चीजों की अपडेट जो है आप दे सकते हैं और आपका जो भी कमेंट होगा वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बादलों से जो है अभी भी घिरा हुआ है पूरा डोडा, लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बर्फबारी देखने को मिल रही थी देर रात से और अलग अलग जगहों पे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि देसा, फिर मेरे पीछे जितनी भी पहाड़ियां हैं इन तमाम पहाड़ियों पे जो है आज बर्फबारी काफी लंबे समय के बाद देखने को मिली। और चाहे फिर भद्रवाह का एरिया जहां पर आपने देखा होगा कि इस बार रिकॉर्ड भी टूटा था, यानी 2 लाख टूरिस्ट जो है वहां पर घूमने फिरने आए, यानी सोचिए कि इस बार जल्दी बर्फबारी होने के कारण जो है लोग किस तरह से भद्रवाह की ओर रुख कर रहे हैं। और आज फिर से दोबारा से जब बर्फबारी देखने को मिली है तो हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा लोग जो है डोडा भद्रवाह घूमने आए। लगातार लोग जो है उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि जंगलों में जो है आग लगा दी जा रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी परेशान था क्योंकि सूखी घास को जो है जल्दी से आग लग जाती थी और जंगल को जो है जलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों से राहत मिली है यहाँ के लोगों को। और लगातार चलिए, अगर कोई कमेंट अगर आप करना चाहते हैं कि आपके एरिया में कितनी बर्फबारी हुई है, क्या चीजें हुई है, वो भी मैं आपका ले लूंगा क्योंकि आप अपने एरिया की अपडेट दे सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी बर्फबारी देखने को मिली है और कितने समय के बाद ये तमाम चीजें जो है हुई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डोडा के अलग अलग जितने भी गांव हैं या फिर तहसीलें हैं उन तमाम जगहों पे जो है रात के समय बर्फबारी देखने को मिली है और बहुत सारी जगहों पे जो है 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई है। और देसा में जो है काफी दूर दराज एरिया है वहां पर भी काफी यानी 8-9 इंच जो है काफी सारे गाँव में जो है देखने को मिली है। फिर गुंदना का एरिया हो या फिर भलेसा, भद्रवाह, ये तमाम जगहों पे या फिर मरमत का वो तमाम एरिया, और साथ में आप जो है अपने अपडेट भी रख सकते हैं। और किश्तवाड़ का तो आपने पहले से सुन रहे थे कि वहां पर लगातार सिंतन वाली साइड वहां पर जो है बर्फबारी, जैसे मौसम थोड़ा सा करवट बदलता है तो उसके बाद जो है बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल अगर कहीं पर रोड बंद है या किसी कारण आपको लगता है कि ढलान वगैरह ये तमाम चीजें हुई है तो आप जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। और मौसम कैसा है अभी, और अगर अभी भी आपके गांव में अगर बर्फबारी हो रही है तो वो भी बता दीजिएगा क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी धूप यहाँ डोडा शहर में निकली हुई है लेकिन दूर दराज गाँव में जो है अभी भी बादलों से घिरा हुआ है तमाम चीजें जो है। और साथ में कोई भी अपडेट होगी डोडा के रिलेटेड वो भी जो है आपके सामने रखेंगे। चलिए, किश्तवाड़ पाडर से एक कमेंट आया कि किश्तवाड़ पाडर में स्नोफॉल शुरू हो गई है, यानी वहां पर भी जो है बर्फबारी देखने को मिली है। और मानू की जगह शबीर अली जो बता रहे हैं कि वहां पर जो है 7 इंच जो है बर्फबारी हुई है, मानू जगह है। और जैतरून टॉप अप चिराला, ये जैतरून मन्हास साहब है कोई, जैतरून टॉप अप चिराला से बता रहे हैं कि इनके एरिया में जो है 4 इंच यानी मानू भलेसा। चलिए एक बार शबीर अली ने फिर से कमेंट किया है कि शबीर अली ने कहा कि मानू जो है भलेसा का एरिया है वहां पर जो है लगभग 7 इंच जो है बर्फबारी देखने को मिली है। ऐसे ही अगर कोई आसपास के और भी कोई लोग हैं जो बता सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी बर्फबारी हुई है और
करालपुरा राही इकबाल साहब भी कोई है और ये जो है बता रहे हैं कि करालपुरा में जो है यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पे जो राजपूत राणा का एक कमेंट आया था जिसमें इन्होंने बताया कि किश्तवाड़ के पार्डर में जो है अभी बर्फबारी शुरू है यानी वहां पर अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है तमाम चीजें। और मैं आपके और भी कमेंट लेना चाहूंगा, अगर कोई और भी कमेंट करना चाहता है इस तमाम चीजों पे। और मौसम जो है अभी थोड़ा खिला हुआ है यहाँ पर डोडा में और अभी भी जो है बादलों से जो है घिरा हुआ है, यानी हो सकता है कि अभी भी अलग अलग जगहों पे जिस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है और बारिश वगैरह, क्योंकि मैदानी इलाकों में तो अभी बारिश ही है, यहाँ पर कोई भी इस तरह का स्नोफॉल देखने को नहीं मिला फिलहाल। इस तरह की अपडेट, और मैंने आपको बताया कि अगर भलेसा के मानू एरिया में 7 इंच है तो अलग अलग जगहों पर भी जो है 4-4, 5-5 इंच जो है बर्फ ने अपनी चादर बिछाई हुई है। फिलहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में अपडेट, और कितने लंबे समय के बाद लोग जो है बेचैन थे कि कब बर्फबारी या बारिश यहां पर हो और आखिर वो चीज तमाम दोबारा से देखने को मिली। एक लोगों के लिए राहत होती है क्योंकि आने वाले समय में लोगों को जो है खेतीबाड़ी करनी होती है तमाम चीजें, क्योंकि जमीन में पानी टिका रहे तो आने वाले समय में फसल भी बेहतर रहती है, तमाम चीजें यहाँ के लोग भी देखते हैं और साथ में जंगल को भी इस तरह से बचा दिया जा सकता है। चलिए, अगर कोई और कमेंट वगैरह अभी तक और आया होगा वो चीजें भी मैं आपके सामने रखूंगा। गुलमर्ग में जो है मागरे फारूक जो है बता रहे हैं गुलमर्ग में जो है 1 फुट है और भद्रवाह में जो है 1 इंच बता रहे हैं यहां से। बहुत सारे इम्तियाज नायक कह रहे हैं कि पहले लगने दो उसके बाद बता देंगे, यानी इनके एरिया में जो है शायद अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जिन एरियो में जो है बर्फबारी है और बहुत सारे लोग जो है एक्साइटमेंट थी उनके अंदर, तो एक्साइटमेंट के जिनके अंदर होती है बर्फबारी देखने की या तमाम चीजें देखने की वही लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे ये तमाम चीजें। फिलहाल देखते रहे यू जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, डोडा।